हमारी सबकी चेष्टा होनी चाहिए कि हमारे घर में पवित्र गीता जरूर होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कुछ उपदेश दिए हैं, कुछ आदेश भी दिए हैं। जहां आदेश दिए हैं वहां सीधा सीधा कहा है कि ये तुम्हें करना ही है, जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। तो अपने कर्म को करो। जहां उपदेश है वहां सुझाव दिए गए हैं कि तुम इन सुझाव के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाने की चेष्टा करिए। और वो जो परिवर्तन जीवन में आते हैं, ये ध्यान रखना कि ये हमेशा अंदर से ही आते हैं, जबरदस्ती कोई हमें नहीं बदल सकता। लेकिन जब हमारा मन बदलता है, ये बिल्कुल उसी तरह होता है कि ताले पर बाहर से हथौड़ा मारकर चोट करते रहिए तो टूटना मुश्किल होता है। भारी हथौड़ा, भारी चोट, एक नहीं अनेक चोट। और चाबी जब लगाते हैं वो तो चोट मारती भी नहीं, उसका वेट भी कम और कोई दबाव भी नहीं। आपने देखा है कि छोटी सी चाबी जिसमें वेट भी नहीं है वो बाहर से प्रभाव नहीं डालती, वो अंदर प्रभाव डालती है, ताले के हृदय में पहुंचती है और वहां पहुंचकर जिस प्रकार से अंदर ही काम करती है, जो हथौड़ों से नहीं खुल रहा था ताला, वो थोड़े प्रभाव के कारण अपने आप खुलता है। तो ये सोचने वाली बात है कि बाहर कितना भी किसी को सुधारा जाए व्यक्ति नहीं बदलता, लेकिन एक मिनट में बदल भी सकता है मनुष्य, पर मन बदलना चाहिए, जिसको कहते हैं हृदय परिवर्तन होना चाहिए। हृदय परिवर्तन होते ही बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव जीवन में आता है। ये उदाहरण हम सबके सामने हैं। उंगलीमाल डाकू किस प्रकार से एक साधु का रूप धारण कर गया, हम ऋषि वाल्मीकि का जीवन भी देखते हैं कि पहला जीवन कुछ और था और बाद का जीवन कुछ और बना। पहले जीवन से दूसरे जीवन में जब रूपांतरण हुआ तो ऋषि नहीं महर्षि कहलाए। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन में भी हम दो रूप देखते हैं, एक उनका कृष्ण पक्ष है, दूसरा उनका शुक्ल पक्ष है। वो जो काला पक्ष है जीवन का वो बड़ा विचित्र, कोई व्यक्ति पत्नी को लाने के लिए मनाने के लिए जाए और कहते हैं कि मुर्दे पर सवार होकर वो नदी को पार कर गए और पत्नी को कहना पड़ा कि जितना ध्यान तुम्हारा ये देह में है, अगर देह के अंदर बैठी हुई आत्मा या देह के मालिक परमात्मा से हो जाए तो तुम्हारा तो इसी जन्म में मोक्ष हो जाएगा, इसी जन्म में मुक्ति हो जाएगी। वही शब्द थे, एक मिनट भी नहीं लगा होगा, हृदय पर प्रभाव आया, परिवर्तन हुआ। और तुलसीदास एक अनेक शक्ति से भरपूर हो गए। कबीर साहब ने लिखा कि तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, जंगल में उगने वाला एक घास जैसा पौधा ही तुलसी है। कि आज सब लोग तुलसी तुलसी नाम कर रहे हैं,
तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, ये तो हो गई कृपा राम की जो बन गए तुलसीदास। राम जी ने कृपा कर दी, हृदय में राम आ गए तो तुलसीदास तुलसीदास हो गए। आपके हृदय में जब वो राम आते हैं, जब परमात्मा आते हैं, तो हृदय परिवर्तन वहीं से होता है। वो चाबी लगनी जरूरी है। जिंदगी एक मिनट में बदल सकती है, और ना बदले तो ध्यान रखिए जन्म बीत जाएगा लेकिन आदमी नहीं बदलेगा। इसलिए बाहर की कोशिश करने से कुछ नहीं होने वाला। बाहर हम अपने घर में कितना भी सुंदर वातावरण बना लें, बाहर कितना भी सजा लें, जब तक मन नहीं सजेगा, हृदय नहीं सजेगा, अंदर बात नहीं बनेगी, तो बाहर सजाने से कुछ नहीं होगा। बाहर फूल खिले हुए हैं, अंदर आदमी उदास है, तो बगीचा अच्छा नहीं लगेगा। उदास आदमी को टीवी के सामने बैठाइए और कहिए मनोरंजन करिए, वो ढूंढकर ऐसी जगह उसको लगाएगा जहां रोने धोने का कार्यक्रम चल रहा होगा, और रुमाल नहीं लंबा तौलिया लेके बैठेगा। सारी दुनिया को हंसा रहा है टीवी, उसको बेचारे को रुला रहा है, क्योंकि उसने अपने मतलब की चीज ढूंढ ली। लोग गजलें सुन रहे हैं, कोई फास्ट म्यूजिक सुन रहा है, कोई फ्यूजन वाला म्यूजिक सुन रहा है। वो आदमी वही वाला गाना लगाएगा जिसमें एकदम दर्द उभर कर आए और उसकी आंख से आंसू बहने लग जाए। चल उड़ जा रे पंछी, देश हुआ बेगाना। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जिंदगी है जहर तो पीना ही पड़ेगा, जिंदगी जहर है पियो। हाल पूछ कर देखिए, ठीक तो है, कट रही है, चल रहा है बस। सेंट्रल जेल में पड़ा हुआ जैसे कोई आदमी सजा भोग रहा हो, कुछ कट गए कुछ बाकी है, क्योंकि अंदर प्रॉब्लम है, अंदर समस्या है। जब अंदर ठीक होता है तो फिर बाहर अच्छा लगता है, और अंदर ठीक करने के लिए व्यक्ति को सही ज्ञान की और समझ की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति आपके खुद के जीवन में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन उसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। एक तो प्रेरक तत्व चाहिए, और दूसरा प्रेरक तत्व कोई अग्नि। वेदों में एक मंत्र है जिस मंत्र में कहा गया है, यो जागार तम ऋच कामयन्ते। ये पवित्र ज्ञान उसके लिए है जो जागरूक है। यो जागार तमु सामानियन्ते, साम का मधुर संगीत उसे ही आनंदित करेगा जो जाग गया है, जो होश में है। फिर आगे लिखा कि कौन जागा है, कि कोई ऐसा व्यक्ति, अग्नि जागार तम ऋच कामयन्ते। कोई अग्नि जैसा व्यक्ति हो जिसके अंदर पूरी आग जल रही है, जिसका ईंधन अग्नि को पकड़ चुका है, तो ऐसा जो जागा हुआ इंसान है, तम ऋच कामयन्ते, ज्ञान उसके काम आएगा, उसे आनंदित करेगा। अब समझने वाली बात है कि जिंदगी उस व्यक्ति की जागरूक होकर आनंदित होगी जिसने अपने आप को ईंधन बनाया, और गुरु जो अग्नि प्रचंड करने वाला है, उस गुरुमुख, उसके साथ गुरुमुख होकर बैठा। तो जब गुरुमुख होकर बैठता है तो यह ध्यान रख लीजिए, उसके अंदर वो अग्नि काम करने लगती है। इसे हम ऐसे समझें कि जैसे ईंधन पड़ा हुआ, अग्नि पड़ी, कोई लकड़ियां पड़ी हुई हैं, जब तक वो लकड़ी पड़ी हुई है तब तक कुछ भी नहीं है। किसी एक वृक्ष से काट करके माचिस की तीलियां बनती हैं, और वो माचिस की एक तीली
पूरे जंगल को जलाने की ताकत रखती है, और वैसे वो कुछ भी नहीं, उसके अंदर जो लगा हुआ तत्व है घर्षण से बस वो प्रकट हो जाना चाहिए, वो अग्नि प्रकट हो जानी चाहिए। इसलिए ज्यादातर लोग ज्योति प्रचंड करो या अग्नि प्रकट करो, दिया जलाओ नहीं, बल्कि कहते हैं ज्योति प्रकट करो, कि ज्योति है सब जगह, उसे प्रकट करना होता है, छिपी हुई को बाहर निकालना होता है। आदमी के अंदर आग है, उसको जगाना होता है, उसकी समझ को जगाना होता है, और फिर उसमें ईंधन डालने की जरूरत पड़ती है। बस ईंधन पड़ते ही वो जो प्रज्वलित होता है, जब तक गुरु समझा रहे हैं और शिष्य ईंधन बना हुआ है, तो एक ज्ञानी और एक अज्ञानी, लेकिन थोड़े समय के बाद जैसे उसको जानकारी हो जाती है और उसका भी दिया जल जाता है, तो फिर वो भी वैसा ही प्रकाश देने लग जाता है। एक दिया अनेक दियों को जला देगा, लेकिन जब तक दिया जला नहीं तब तक वैल्यू नहीं है, तब तक वो अंधेरे का कुछ नहीं कर सकता, जलते ही फिर अंधेरा पास नहीं आ सकता। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए, हमारे पास कितनी भी किताबें क्यों ना हो, लाइब्रेरी भरी पड़ी रहे और रट भी लें हम, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक हम अपने ज्ञान को प्रैक्टिस में लाकर उसका अनुभव नहीं कर लेते, तब तक वो ज्ञान हमें लाभ देता ही नहीं। इसलिए अंदर जाना चाहिए, अंदर ज्ञान आना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा है और सामने शेर आ जाए, और उसके बाद वो कहे देखो हमला मत कर देना, मेरे पास रिवाल्वर का लाइसेंस है, और वो कागज दिखा भी दे, ये देखो लाइसेंस है मेरे पास में, तो शेर क्या कहेगा? वो कागज को समझता ही नहीं, वो तो अपना कागज दिखाएगा। कहते ना कि शेर सामने आ जाए तो क्या करोगे, बोले जो कुछ करेगा शेर ही करेगा, हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। तो आपके कागज का उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला, विद्या कंठ और लक्ष्मी गंठ, गांठ में पैसा और कंठ में विद्या, अगर आपको याद है तो काम आएगी। पैसा गांठ में है तो काम आएगा, दूसरे के हाथ में गया हुआ पैसा कभी काम नहीं आता, उसे तो लेने के लिए भी पीछे पीछे घूमना पड़ता, भीख मांगनी पड़ती है अपने पैसे के लिए, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, कितने भी चक्कर लगाते रहिए आसान नहीं है। और अगर आपके पैसे मिल जाएं वापस, तो चार बार तो जाके मंदिर में मत्था टेकना पड़ता है, भगवान आपने हमारा पैसा दिलवा दिया वापस। याद की भी विद्या और हाथ में रखा हुआ धन आपके काम का है। ठीक इसी तरह से जब आप उस ज्ञान को याद भी कर लें और जीवन में धारण करें, तब वो ज्ञान आपका बनता है। जब वो आपका ज्ञान हो जाता है अभ्यास के द्वारा, जैसे आपने सीख लिया तैरना, पहले तो किताबों में पढ़ लिया था तैरने के लिए ऐसे ध्यान देना चाहिए, या किसी ने आपको थोड़ा ज्ञान दे दिया कि तैरने के लिए ऐसे करना ऐसे करना, जब तक ज्ञान था वो थ्योरी थी, प्रैक्टिकल था ही नहीं। प्रैक्टिकल तब हुआ जब पानी में गए, और जब पानी में गए और प्रैक्टिस हो गई, अब नॉलेज पूरी हो गई। जब तक कार चलाने के बारे में आप सुन रहे थे, ऐसे चाबी लगाओ, ऐसे स्टार्ट करो, ऐसे स्टेयरिंग को पकड़ो, यहाँ से आपने क्लच दबा करके गियर दबा बदलना है, अब धीरे धीरे आप एस्केलेटर पर पांव रखकर क्लच को छोड़ते जाइए, गाड़ी बढ़नी आगे शुरू हो जाएगी। नॉलेज तो मिल गई पर गाड़ी तो नहीं चला पाएगा, प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस होते ही उसका अनुभव आपको जैसे ही होने लगता है, तो उसके बाद आपकी गाड़ी चलती, उसको कहते हैं ज्ञान होना। जब ज्ञान पूरा हो जाता है तब वो ज्ञान आपकी जिंदगी को आनंदित करता है। और ये याद रखिए, ज्ञान जब आपके जीवन में आ गया तो एक रोशनी आ गई, और फिर आपकी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। कितने सारे लोग हैं जिनको सेहत के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है,
फिर भी बीमार रहते हैं। कितने लोग हैं जिनको कानून की अच्छी जानकारी है फिर भी कानून के झंझट में फंसे हुए हैं। कितने ऐसे लोग हैं आपने देखे होंगे कि जो दूसरों को सलाह दे सकते हैं कि समस्याओं का समाधान ऐसे किया जाता है, और बड़े बड़े लोग उनसे सलाह लेने आते हैं, लेकिन अगर खुद देखा जाए उनकी सलाह उनके काम नहीं आ पा रही, क्योंकि उसको वो यूज नहीं करते, उन्होंने दूसरों के लिए याद करके रखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि वो ज्ञान नहीं है, वो एक सूचना है, इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने इकट्ठी कर रखी है। जिस दिन वो उनकी ज़िंदगी में उतर आएगी उस दिन वो क्रांति करनी शुरू करेगी, और जब वो क्रांति करती है तो ज़िंदगी बदली भी दिखाई देती है, आदमी एकदम चेंज हो जाता है। आदमी कहता है कि पता भी नहीं था इतना कुछ कमाल की चीज़ है ये। मैं एक व्यक्ति को देखता था जो रोज कॉलेज में जाकर के पढ़ा कर आता था और बहुत तरह की चीज़ें बताता था, खुद को साइनस की प्रॉब्लम, और बहुत अच्छी नॉलेज देता था दूसरों को। किसी ने उसको एकदम कहा कि आप बैठिए, खुद भी थोड़ा प्राणायाम शुरू करो, खान पान को थोड़ा ठीक करो। उसने कहा ये तो मैं सब लोगों को समझाता ही हूँ, आप मुझे क्या समझा रहे हो। बोले नहीं, अब आप खुद को समझाओ थोड़ा बैठकर, अभी तक आप दूसरों को समझा रहे थे, और खुद को समझाकर समझ के अनुसार शुरुआत करो। उस व्यक्ति ने अपना खान पान बदला, प्राणायाम वगैरह शुरू किए, थोड़ी दवाई का सहारा लिया। अब वो कहता कमाल हो गया, 7 साल से मुझे सिर दर्द भी रहता था, नज़ले की वजह से परेशान भी बहुत होता था, और मौसम बदलता था तब तो हालत बहुत खराब होती थी, ये तो कमाल की चीज हो गई, एकदम में ठीक हो गया, इतना आराम मिल गया। और ये तो अच्छा हुआ वो आदमी आया, उसने मुझे जानकारी दी, उसने मुझे समझा दिया, पर जानता मैं पहले से था। झुग्गी झोपड़ियों में सिसक रहे निर्धन बेसहारा बच्चों के लिए प्रगति की सोच रखने वाले, इनके सपनों को साकार करने के लिए इन बच्चों की ही क्षमताओं को बल देने का संकल्प लेकर चलने वाले परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में बाल कल्याण योजनाओं को विश्व जागृति मिशन के तहत पिछले कई वर्षों से संचालित किया जा रहा है। इसके लिए पूज्य श्री द्वारा झारखंड के नक्सली प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों रुक्का खूंटी में निर्धन बच्चों के संपूर्ण विकास के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से स्कूल चलाए जा रहे हैं। साथ ही सूरत, गुजरात, कानपुर, उत्तर प्रदेश में देवदूत बाल आश्रम का निर्माण किया गया है, जहां बच्चों के लिए भोजन, आवास, शिक्षा की निशुल्क व्यवस्था है। ये बच्चे खेलकूद एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपने सफल प्रदर्शन से साबित कर रहे हैं कि विश्व जागृति मिशन एवं पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद इन्हें सफल जीवन की ओर ले जा रहा है। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनेक बच्चे जो बेकार घूम रहे हैं अथवा कचरा बीनने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना की गई है। यहाँ भी बच्चों को शिक्षा, भोजन एवं वस्त्र जैसी सभी सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। बच्चे समाज और देश का भविष्य है, इनके उत्थान के लिए यदि आप भी इन बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagratimission.org। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जीवन संचेतना, लाखों पाठकों की बुद्धि को सचेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना, ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने
एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग।